Cuidado, cuidado, gente. Cuidado, gente. सुल्तान बाजार के पीएस लिमिट में लास्ट वीक 11 तारीख को रात को सीधा बात है शारदा के शाम से शाम के पास वो शाम क्लोज करने के बाद वो ग्रंथार उमेश कुमार सरदा उमेश कुमार सरदा बाप बेटे जो दुकान बंद करके जाने के बाद हमला करके उनके पास जो 2,70,000 रुपये थे वो चोरी करके ले गए थे उन पर हमला करके तो उस केस में तब से हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए तो हमको उन एरिया में जो वीडियो फुटेजेस थे वहाँ तमाम गली में इंटरपोल के वीडियो फुटेज लगा के हैं जैसे और शायद बहुत से जगह भी सी फुटेज लगा के हैं शहर में तो वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन सामने ले गए और उसके हिसाब उसके आधार पर हमका हमारे को इन्फॉर्मेशन आया तो हम आज चंद्रायन गुट्टा मंडी एरिया में 4 लोगों को गिरफ्तार करे थे और उनको एग्जामिनेशन करने के बाद पूरा कैसा वो प्लान करे और कैसा ये अटैक करे पूरा हमको मालूम हुआ और उसके साथ और तीनों को भी हम कस्टडी में ले लिए पूरे 7 लोगों को हम अरेस्ट किए उसमें एक है अब्दुल सलमान इन इलेक्ट्रिशियन काम करते और मोहम्मद फयाज अबुर रहमान इन ऑटो ड्राइवर है और हबीब साहद है उन्हों पान शॉप मेंटेन करते और रिजवान अली है इन्हों एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते और सैयद अब्दुल्ला अभी इंटरमीडिएट पढ़ रहा है बच्चा और मिर्जा अजहर बेग उन्होंने अभी जो शॉप में हमला करके वो लूटे थे उसमें उन्होंने अभी काम कर रहे और बाद में एक हबीब अली पाशा वो भी इंटरमीडिएट का लड़का है ये 7 लोगों को गिरफ्तार में ले लिए और उनके पास से हम यमहा मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा होंडा साइकिल मोटरसाइकिल टू व्हीलर और एक नेट कैश 2,30,000 और उनके पास से एक डैगर ये भी जो इस्तेमाल किए थे वो हमले में उसको भी हम बरामद करें और ये जो डैगर है उसमें वीडियो फुटेज में भी वेरी क्लियरली विजिबल है तो डेफिनेटली वी विल टेक इट टू द कन्विक्शन सो अभी हमारा मकसद ये है कि शहर में पूरे जगह सीसीटीवी फैलाए और ये शहर क्राइम फ्री हो जाए हमारा अल्टीमेट मकसद है डेफिनेटली हम उसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं थैंक यू